अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, जो अब किए हो दाता
ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। सपनों में भी आया न कीजो। इस और सपनों में भी आया न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5 और मैं हूँ आरजे नरेश और मेरे साथ हैं आज आरजे अंकित और हम दोनों आ गए एक स्पेशल शो लेके। स्पेशल शो इसलिए क्योंकि आज हम दोनों मिलके शो करेंगे, इसलिए स्पेशल है। शो वही है जो जुम्मेरात को ठीक 10 बजे शुरू होता है, यानी कि दिल से दिल तक आपका अपना प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमारे साथ और हम आपके साथ हम आपसी बातें करते हैं। यूँ कह लें कि एक दूसरे की दिल की बातें करते हैं और दिल से जुड़ी हुई बातें करते हैं, वही शो लेकर फिर से आ गए हैं। शो में बहुत कुछ होता है, आज क्या होगा वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले अंकित को बुला लेते हैं। अंकित, वेलकम टू द शो। बट हम जो लोग हैं वो स्पेशल नहीं रह गए हैं, ये देश स्पेशल नहीं रह गया है और जो कुछ हालात हो रहे हैं वो भी स्पेशल नहीं है। संसद के अंदर भी कुछ उठपटांग हरकतें बोली जा रही हैं, संसद के उठपटांग हरकतें हो रही हैं, यही चल रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो जो बातें हम आपसे करना चाहते हैं वो यही कि आज देश में जो कुछ हो रहा है और कुछ बहुत जो रिसेंटली हुआ उस पर हम बात करेंगे हम दोनों। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA N, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चाहें तो हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है पर्टिकुलरली इस शो के लिए 9015173846, इस नंबर पर हमें मिस कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चाहें तो व्हाट्सअप पे टेक्स्ट या ऑडियो मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से भी आप हमसे जुड़ना चाहें वो भी आप हमें जुड़ सकते हैं। और अंकित, फेसबुक पे अगर लोग हमारे साथ मैसेज पे आना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कुछ है आज? जी हाँ, बिल्कुल मैसेज पे आ सकते हैं लोग। रेडुड़ान की जो फेसबुक पेज है वहाँ पे मैसेज छोड़ दें, नहीं तो आर्जन अंकित मेरा खुद का पेज है वहाँ मैसेज छोड़ दें तो हम आपके मैसेज पिक कर लेंगे वहाँ से। तो बिल्कुल आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radiodon.com। फीडबैक सेक्शन में जाके भी अगर अपनी राय आप हमारे साथ शेयर करते हैं 10 से 11 के बीच में तो बिल्कुल आपकी राय शो में शामिल की जाएगी। और ज़रूरी है कि आज का टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पे हम बात करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से बहुत कुछ आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे हैं और न्यूज़ में कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ अलग हो या बहुत नया हो। ये चीज़ें आप काफ़ी वक्त से काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी भी स्थिति शायद लगता है ऐसा सुनकर कि वहीं की वहीं जहां थी वहीं पर है। क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं या फिर कुछ कानून बने भी हैं तो क्या वो निष्प्रभावी हैं या इतने इफ़ेक्टिव नहीं है कि उनका असर लोगों पर हो? जिनके लिए वो कानून बनाए गए क्या उनको उनसे डर नहीं लगता या उनके पास उसका तोड़ भी उपलब्ध है या क्या ऐसी बातें हैं जो अप्रिय घटनाएं लगातार सुनने को आपको मिल रही हैं, चाहे वो फिर हैदराबाद की बात हो या
उन्नाव का एक और जो दिल दहला देने वाला एक केस और है जो आपको अभी मिला होगा। इसके साथ साथ ना जाने कितने ऐसे केस जिन पे आप लगातार बातें सुन रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ भी रहे हैं, सब जगह चल रहा है कुछ ना कुछ। आज हमने इसलिए आपके लिए जो टॉपिक चूज किया और हम आज पूरे शो में इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने जो टॉपिक चूज किया वो टॉपिक बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, सिर्फ इतना हम आपसे पूछना चाहते हैं, इज इंडिया रियली सफरिंग विद वीमेन सेफ्टी प्रॉब्लम? क्या सच में भारत किसी महिला सुरक्षा जैसी समस्या से जूझ रहा है, या सिर्फ ये एक ऐसे ही कुछ है जिस पे शायद हम कुछ ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं या कुछ ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? क्योंकि लगता नहीं है कि जिस तरह की घटनाएं लगातार आपको सुनने को मिल रही है, जिस तरह से आपको चीज़ें पता चल रही हैं उसमें क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। अंकित को समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि हमें खुद को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, बहुत सारी इस पर अभी बात धीरे धीरे करेंगे क्योंकि सब कुछ नहीं बोलना चाहते, बस इतना कहना चाहता हूँ अभी पहले आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाइए और उससे पहले आप रिस्पॉन्सिबल बनिए यहाँ आकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। हम देखना चाहते हैं आप कितने जो हैं, किस तरह की सोच आप रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तब हम अपनी बातों को रखें। कई बार हमें ये भी लगता है कि क्या ये सच में कोई मुद्दा है, कुछ इश्यू है, वीमेन सेफ्टी जैसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहते हैं ना कि न्यूज़ चैनल्स को कुछ मिल जाता है, या न्यूज़ वालों को या रेडियो वालों को या हम लोगों को कुछ मिल जाता है और हम उस पर बातचीत शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, क्या है वो तो नहीं पता, वो शायद पता चलेगा धीरे धीरे जब शो में हम आगे बातें करेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहें हमारे साथ कॉल पे आने के लिए, हमारी स्काइप आईडी radio.radio.UDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर।
छत पे न आया कोई, चांदनी का साया मेरी, रातों से बच के निकले नींदों के जखीरे। ओ मेरी छत पे न आया कोई, चांदनी का साया मेरी, रातों से बच के निकले नींदों के जखीरे। ना कोई रहबर है ना कोई ये रहजन है, अपने ही आंसू है अपना ही ये दामन है, खाली खाली शामें हलचल तू भर दे ये आंखें बादल 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 कर दे। वेलकम बैक। बहुत प्यारे से गाने के बाद वापस हैं हम आपके साथ दिलवाला डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन ओपन कर रहे हैं अब हम आपके साथ, और डिस्कशन ओपन है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, इज इंडिया रियली सफरिंग विद वीमेन सेफ्टी प्रॉब्लम। क्या भारत सच में किसी महिला सुरक्षा समस्या जैसी चीज से जूझ रहा है, या सिर्फ ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ न्यूज़ में आता है, कुछ घटनाएँ होती हैं, ये कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से अगर समस्या होती तो क्या कोशिशें हो नहीं होती, और क्या कोशिशें हो रही हैं तो वो इतनी सक्सेस नहीं है, इतनी सफल नहीं है कि उनका कुछ हल ढूंढा जा सके। इतने सारे केस, चाहे वो निर्भया केस हो चाहे वो मील का पत्थर रहा हो, उससे पहले एक और भी केस इस तरह के आपको इतिहास में मिल जाएंगे, वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। और अब जो एकदम 2019 जब जा रहा है तो इतना अच्छा, जैसा जाते जाते इसमें जो कुछ हो रहा है वो शायद इतना अच्छा नहीं है कि हम कहें कि बहुत अच्छा है। आप हमें कॉल करें हमारी स्काइप आईडी रेडियो डान RADIOUDAA, या फिर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। इसी नंबर को आप व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप वॉइस नोट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अंकित, बिल्कुल डिस्कशन करने या ना करने जैसी चीज है, क्योंकि डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि आप बात करें समझे, बट बात किसको समझाएं, किन लोगों को समझाएं, किस वे में समझाएं, तो वही बात होगी क्योंकि मीडिया भी बोल रहा है, भी बोल रहे हैं, लोग भी बोल रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कुछ सुनना नहीं चाहता, एक कान से सुन रहा है दूसरा कान से काम रहा है, यही चल रहा है। सिर्फ सब लोग बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहे, या सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे, कुछ ऐसा हो रहा है। Yes. लगातार जो आपने घटना सुनी, चाहे वो हैदराबाद की घटना हो, अभी रिसेंट में जो एक आध दिन की जो घटना है उसमें उन्नाव की घटना आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उससे पहले जब 2012 का केस हमने देखा था तब बहुत सारे कानून बने थे, उस पर चर्चा हुई थी, उस पर बहुत झमेला हुआ था, लोग सड़कों पर आए थे, लोग इस बार भी सड़कों पे हैं। क्या ये एक रूटीन है या कुछ दिनों के बाद लोग भी भूल जाते हैं? ये एक सवाल हो सकता है हमारे पास, और ये पूछना और सोचना और हमारे को बात करना बहुत जरूरी है कि इस पे क्या सही है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अगर जो चीज लगातार चल रही है और सिर्फ शायद गवर्नमेंट लोग या कोई कुछ नहीं सोच रहा, तो फिर लगता है शायद कुछ लोग हैं जो सिर्फ किसी बात को तूल दे रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि शायद उनके पास कुछ और नहीं है, या जब रिसेंटली कोई मुद्दा मिलता है तो लोग उस पर हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, कुछ ऐसा है। अंकित, न्यूज पे और फेसबुक पे जो सोशल मीडिया का कैसा ट्रेंड रहा इन सब पे?
हाँ देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, फेसबुक पर बोलना, फेसबुक पर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होता, और फेसबुक और ये है इन चीजों के लिए बने हैं, बट उनका कितना यूज हो रहा है, बात कहाँ तक पहुंच रही है, कितना प्रेशर बन रहा है, वो देखना होता है, जो कि नहीं दिख रहा। बहुत सी बात है, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता, मेरे पास ऐसी बहुत सारी बात है, मतलब लॉट्स ऑफ टॉक्स है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ लिख सकता हूँ इस पूरे मुद्दे पर, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो एक बात रखने में हो, पर मैं चाहता हूँ कि पहले लोगों को सुनूं, लोग आए शो पर, बात रखें, उनकी सोच, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, भाई जब नहीं बचेगा, जब लगेगा कि हमारे पास लोग नहीं आ रहे, तो मैं अपनी बात को बिल्कुल एक सिंगल टेक में पूरे लंबे तरीके से आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल, लोग क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और ये समझना, और खास तौर पे बड़ी, मुझे नहीं पता इसको आप किस तरीके से सोच सकते हैं या कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि शायद विमेन सेफ्टी पर भी, कहते हैं ना, जब जैसे हमारे यहाँ पे एक बातचीत होती है कि विमेन सेफ्टी की बात हो तो भी लोग पुरुष ही बात कर रहे हैं, मेल डोमिनेशन, या मेल ही बात करते हैं, विमेन सेफ्टी की बात है तो भी शायद मेल ही बात कर रहे हैं। आप जहाँ देखेंगे कितनी महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर आगे आती हैं, अपनी बातें रखती हैं, और कई बार न्यूज़ में या सड़कों पे आपको किस ऑर्गेनाइजेशन से, या विमेन ऑर्गेनाइजेशन या विमेन कमीशन से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, शायद उनकी बातें आपको दिखते हैं। क्या आम महिलाएं निकल के बाहर आती हैं और अपने लिए कुछ मांगती हैं गवर्नमेंट से, ऐसा कभी आपने देखा? ये बहुत जरूरी है कि जिसके लिए समस्या है, और हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात को मानते भी हैं कि जिसकी ज़रूरत है उसको अपने लिए काम करना होगा, और शायद अंकित कहीं ऐसा कोई रीज़न तो नहीं कि अभी तक वो लोग, क्योंकि ये समस्या महिलाओं की, और महिलाएं इतनी आगे बढ़ के नहीं आ रही, तो शायद इस बात में वो असर नहीं आ पा रहा, या ये मांग कह लें या ये जो मुद्दा है इसमें वो ताकत नहीं आ पा रही। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये वुमेन, ये मैन डोमिनेटिंग कंट्री है, या यूं कहिए मैन डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, वर्ल्ड नहीं कहेंगे, इंडिया की है, एक कंट्री है, नहीं तो अगर यहाँ लड़कियां आवाज निकालेंगी भी, बोलेंगी तो कहाँ बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कौन सुनेगा, सुनने वाला तो फिर एक तो होता है ना, सेम जेंडर सुनेगा, तो सेम जेंडर तो उसकी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो जो अपोजिट जेंडर है वो करेगा क्या, तो वो कहाँ बोले, किसको बोले। ये बात भी ठीक है, इस पे भी बात करेंगे कि किसको बोलना चाहिए और किसको नहीं बोलना चाहिए। चलिए जल्दी से आपको एक और गाना सुना देते हैं, और गाने के बाद वापस आपके पास आएंगी, और कुछ बातें जो अंकित ने कहा कि ये बात शेयर किसके साथ की जाए, किसके साथ बात रखी जाए, उस पे कुछ बातें, पहले इस प्यारे से गाने को सुने और फिर हम वापस आएंगे आपके पास। मजबूर किया
पहली बारिश में ये ख्वाहिशें जगाएं, कभी इसमें चल रही धड़कन को बढ़ाएं, फितरत से बेसबर बस तुझको बुलाएं, दूरी का जो आलम हो तो खूब रुलाएं, फिर कितनी भी कोशिश कर लूं दिल संभल न पाए, पास लाया तेरे यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया, मजबूर किया, हो आवारा फिर उन गलियों में कहीं हम खो जाएं, जहां चलती थी मोहब्बत की ताजा हवाएं, वहां फिर से अजनबी क्यों ना हो जाएं, फिर से एक दूजे को चल मिलवाएं, तुझे मिलके आवारगी का मौसम फिर आए, पास लाया तेरे यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया, मजबूर किया, हो आवारा वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये प्रोग्राम है दिल से दिल तक सीजन 5। दिल वाला डिस्कशन चल रहा है। दिल वाला डिस्कशन में क्या भारत सच में विमेन सेफ्टी या महिला सुरक्षा जैसी किसी समस्या का सामना कर रहा है, या सिर्फ ये एक बात है, एक मुद्दा है जो शायद जब कोई अप्रिय घटना हम लोग सब कह रहे हैं वो होती है तब न्यूज़ पेपर्स में, चैनल्स पे, रेडियो पे छा जाती है, या फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं, या फिर जब कभी इलेक्शन आते हैं तब इस पे ज़्यादा जोर होता है। क्या बात है अंकित, कुछ ऐसा तो नहीं कि खाली इलेक्शन का मुद्दा बहुत बड़ा है? नहीं, एक्चुअल में ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है ध्यान बढ़ाने का, कि जो कुछ मंदी पर बोला जा रहा है या जो कुछ बेरोजगारी पर बोला जा रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, इंदिरा बोल रही थी कि ये भटकने के लिए किया गया एक काम है, जैसे थोड़ी सी आवाज अंकित वो दबी और क्या बोलते हैं कट रही है। ओके, आ रही है? हाँ ठीक है। किसी और काम लगता है इसको आप यूनिवर्सल से ले सकते हैं, आप किसी को थोपे नहीं, जैसे कि प्रोग्राम के लिए भी लोगों ने बातें बनाई
इसको मैं अभी खुद भी बिलीव करता हूँ, मुझे कोई सुन रहा है पार्टी का तो मुझे कहेगा ये क्या बोल रहा है, बट मैं मानता हूँ उस चीज को। तो ये भी उसी से प्रेरित लग रहा है कि जो मुद्दा है वो मुद्दे जो डाइवर्ट किए जाए इस तरफ, ताकि लोग मंदी की बात ना करें, लोग ब्याज की बात ना करें, लोग जो है ऑटो सेक्टर की बात ना करें, लोग जो है जॉब की बात ना करें। तो डाइवर्ट करने वाली चीज भी नजर आ रही है। एक बार दिल्ली का चुनाव मुद्दा बनाने की भी बात इसको समझ में आ रही कि कहीं ना कहीं शुरुआत दिल्ली से हुई थी पर अब दूसरी जगह हुई है, तो कहीं तो करना है, बनता है तो कोई बात नहीं, पॉलिटिकल फायदा उठाना किसी चीज का कोई बोल बात ये जो हो सकता। तो क्या ये एक पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है, या यूं कहें कि इसको एक यूज किया जा रहा है इन सब चीजों को? पूरी हिंदुस्तान जिस तरह से आक्रोश में है, जिस तरह से सब लोग सिर्फ इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बाकी चीजें अब छूट गई हैं, जैसा कि अंकित कह रहे हैं, चाहे वो पुलवामा का केस रहा हो या फिर एक पिछला, ये जो दो केस आपको कंटिन्यूअस आपको एक दोनों अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये ऐसा एक रीज़न हो सकता है जो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए? लेकिन अंकित, अगर डाइवर्जन का मामला हो तो एक उन्नाव वाला केस तो गवर्नमेंट के मतलब ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर है जिसके खिलाफ ये बात जा सकती है, और हैदराबाद में भी स्थिति कुछ हो सकती है, तो वहाँ का क्या है फिर, ऐसे में कैसे पॉसिबल है ये? मैं कह रहा हूँ ये स्टेट पॉलिटिक्स नहीं है, ये है नेशनल पॉलिटिक्स। स्टेट पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, दैट इज अ नेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि बात पूरे देश तक फैलती है। अब तो ये रहा नहीं कि आप रेडियो पे सुन रहे हैं या केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो जमाना स्टेट की खबर उस स्टेट में मिलेगी। अब तो यहाँ जो चीज होती है वो पूरे देश में ऐसे गोली की तरह दौड़ती है जैसे बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। तो ये नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात है। अगर आप देखोगे तो 2018 के जो चुनाव हुए थे 19 के, इसमें पूरी तरीके से एक ही पार्टी थी, दूसरा तो ऑपोजिशन है ही नहीं इस वक्त। तो ये पूरा का पूरा जो है कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है, या फिर इसको दिल्ली पॉलिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। सो दैट इज आंसर, ये दिल्ली में चुनाव होने वाला। और अंकित, फिर तो सवाल ये भी हो सकता है कि अपोजिशन में जो कुछ लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है, उनके पास पावर ही इतनी नहीं है तो कुछ कर सके। ओके, तो पावर नहीं है, और क्या ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकता है जो हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, और हमने एक सवाल उठाया और उस सवाल के बदले में अंकित का एक जवाब कि ये एक नेशनल पॉलिटिक्स हो सकती है जिस तरह से हिंदुस्तान की अभी कंडीशन है, क्या ये एक कहीं पे डाइवर्जन का वे है कि लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए उन मुद्दों से जो शायद गवर्नमेंट की असफलता दर्शाते हों या दिखाते हों, उसके बदले कुछ ऐसी चीज़ों को लाया जाए जो शायद लोगों के इमोशन से जुड़ती हों, लोगों के मन से जुड़ती हों? कुछ और बातें इसके बारे में हम सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, उस पर भी बात जरूर करेंगे। पहले एक और गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज हमने कुछ गाने भी चूज़ किए आपके लिए, गाने को सुने और साथ में गानों को भी इंजॉय करते रहें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं आपके साथ। उसके लिए ज़रूरी है हम कुछ गाने यहाँ से आपके लिए प्ले करते रहें। बिल्कुल भाई, ऐसा तो है नहीं कि पहला रेप हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि पहला ही रेप हुआ है। मुस्कुराते
वेलकम बैक, मैं हूं अनोख अंकित और ये है दिल से दिल तक, जहां पर हम मेरे दिल की बात हम कर रहे हैं, नरेश के दिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश के दिल की बात नहीं है, क्योंकि देश के दिल की बात जो है वो बहुत ज्यादा उग्र है। मेरी भी है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, बट मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि नहीं अगर एक्सप्लोड हो जाऊंगा तो फिर मेरे में और आम जनता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक्सप्लोड जहां होना चाहिए वहां होए एक्सप्लोड। जैसे कि मैं देख रहा था कि एक लड़की अन्नु गुप्ता जो कर रही थी अनशन, उसको मेरे को एक बात नहीं समझ आती बहुत क्लियरली, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नेता और जनता के बीच में कैसे आ जाता है? आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये पुलिस की चार दीवारी के अंदर घूमते रहेंगे ना नेता लोग, तब तक ये देश नहीं सुधर सकता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्ट्रांगली ओपिनियन है। जिस दिन ये दीवार हट जाएगी और जब जनता खुद नेताओं के घर के अंदर घुसने लगेगी, उनके बेडरूम तक जाने लगेगी चीजें लेकर के, तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। और जब ये होने लगेगा तभी देश अपने आप सुधर जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लड़की अकेली बैठी थी, अब वो मैं कहता हूँ संसद के गेट पर बैठ जाए, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस का जो मेन गेट है जहां पे वो स्पीकर बैठता है उसके बाहर गेट पे बैठ जाए, बैठना चाहिए, लोगों को जाने की इजाजत मिलनी चाहिए वहां तक, ताकि वो नेता खुद डरे कि जब ये जनता यहां तक आ सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। अभी जो नेता है ना, अभी जो नेता है वो पुलिस के चार दीवारी में छुप के बैठे हुए हैं, तभी इस देश का उद्धार नहीं हो रहा है। और जिस दिन ये चार दीवारी हट जाएगी ना, उस दिन ये देश अपने आप सुधर जाएगा। मैं ये पर्सनल ओपिनियन, वो लड़की निहत्थी बैठी थी, किसने ऑर्डर्स दिए? मैं कहता हूँ किसने ऑर्डर्स दिए उसको वहां से उठाने के लिए? सरकार ने दिए होंगे ना, किसी आम जनता ने तो नहीं दिए, क्यों दिए? किस बात का डर आपको? किस बात का डर? यानी कि आपके अंदर खोट है, आप काम नहीं करना चाहते, वो एक बंदी एक लड़की बैठी आपको उसको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आपके अंदर वो पावर ही नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं कि आप देश के लिए कुछ करें। आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जेब के लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे स्ट्रॉन्ग, और आज भी मैंने देखा एक एक, एक पेरेंट्स जो है अपनी बच्ची को लेकर के कुछ और लोग जो है उस एरिया के अंदर जाने लगे, पार्लियामेंट के जो स्ट्रीट है। मैं कहता हूँ जाने दो ना यार, पुलिस क्यों रोक रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा पुलिस बल का प्रयोग क्यों कर रही है। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता, आप जनता की सेवा के लिए हो कि हमारे देश के नौकरों की सेवा के लिए हो? मैं सो कॉल्ड पॉलिटिशियन को अपना नौकर मानता हूं, बिकॉज हम उनको चुन के लाते हैं, वो चुन के खुद नहीं आते, हमको चुन के लाते हैं। और आज के टाइम में मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि कोई मीडिया चैनल नहीं बोल रहा है, मैंने देख लिया है, वो कोई बोलेगा भी नहीं, पॉलिटिशियन खुद बोल रहे हैं। मैंने किसी को सुना, एक पॉलिटिशियन को सुना, वो एक न्यूज चैनल को कुछ बोल के चली गई। इसके अलावा मैं एक न्यूज चैनल को देख रहा हूँ, वो रियलिटी चेक कर रहा है इस सारे मुद्दे पर, तो ऐसा नहीं है, वो हो रहा है, वो भी हो रहा है। बट मेरा कहना ये है कि वो दीवार गिरनी चाहिए सबसे। और कुछ चीजें ये हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपॉर्चुनिटी नहीं। मैंने ये चीज देखी है कि रात में मैं तीन ऑप्शन, मैंने ये बीबी की वाइंस ने भी इस बात को रखा, इस पर वीडियो बनाई। ओके, तीन ऑप्शन उसने दिए, उसने तीन ऑप्शन दिए, लड़की का छोटे कपड़े पहनना, लड़की का देर रात में जो है पार्टी करना, या लड़की का बाहर जाना, और तीसरा लड़की का ड्रिंक करना। अगर आप इन तीनों में से एक भी ऑप्शन चुनते हैं तो आप खुद एक रेपिस्ट है, आपकी सोच रेपिस्ट है। क्योंकि ये चीजें, अब क्या मतलब, 5 महीने की लड़की क्या ड्रिंक करती है, 5 महीने की लड़की क्या छोटे कपड़े पहनती है क्या, 5 लड़की जो है वो रात 12 बजे घूमती है बाहर, उसका भी रेप हो रहा है, 40 साल की अगर औरत, 60 साल की औरत भी बाहर जा रही है उसका भी, तो सर ये विकृति है हमारे, पता है इसका। मैं जो तोड़ जानता हूँ वो ये है कि जब आप छोटे होते हैं ना, जब आप 1 साल 2 साल 3 साल के होते हैं, आपके घर का माहौल अगर फ्रैंक होगा, अगर आपकी माँ भी स्पोर्ट्स ब्रा में या जीन्स में, पैंटी में, जिसमें भी घूम रही होगी, बहन घूम रही होगी, तो आपको जब वो बाहर जाओगे ना आप, तो आपको लगेगा ये तो कॉमन है, ये बराबर है। मगर जब आपके घर के अंदर ही बाउंड्रीज होंगी, जब आपको पॉन देखने को नहीं मिलेगा, जब आप छुपके पॉन्स देखोगे, तो फिर आप उसको यूज भी करना चाहोगे बाहर। तो ये इंडिया के अंदर ये है, आपको सेक्स एजुकेशन देनी है, गुड टच बैड टच सिखाना है, घर के अंदर ही ऐसा माहौल बनाना है कि जब वो बाहर जाए तो उसको लगे यार ये तो कॉमन है, यार तो हमारे घर में हमारी बहनें और माएँ जो हैं इस तरह की घूमती हैं, तो ये घूमने इसमें कौन सी अलग बात है, तो वो उन्हें उसी सेम नज़र से देखेंगे।
मतलब आप छुपा कहते हैं ना कोई चीज, अगर आपके घर से बोला यार वो दाढ़ी वाला बाबा आपको उठा के ले जाएगा, यार वो करने से गलत होता है, तो बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा आती है, फिर वो वही चीज करने लगता है क्योंकि उसको ये लगता है कि यार ये तो उनसे छुपाए जा रहे हैं, इसको करके देखते हैं होता क्या है। बिल्कुल, जो चीज आ जाती है, जी जी, जो चीज हमें रोकी जाती है, जिस पे हमें कहा जाता है कि हम ये ना करें, हम वो ना करें, हम ये ना देखें, या उस तरह की जब चीजें होती हैं, तो अक्सर जो क्यूरियोसिटी माइंड है, आप देखें कि जितने भी केसेस आपको देखने को मिलते हैं मेरे ख्याल से, और जो अभी हैदराबाद का केस भी था, उसमें जो अक्यूज्ड हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी एजुकेशन बहुत कम है शायद, जहाँ तक मुझे ठीक से याद आ रहा है, उसके साथ उनकी एज भी कम है, एक ही है जो शायद प्लस 35 या 36 का है, अदरवाइज सब 18, 19 या 22 मैक्सिमम इतने इसके हैं। और इससे पहले जो केस आपने पहले देखे हैं उनमें भी ये सेम केस हैं। तो ये जो एक अंकित ने बात बोली है, इत्तेफाक है इस बात से, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। ये हालांकि हमारा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है कि हम इस तरह की बात आपके साथ कर रहे हैं, और कि इस तरह का माहौल मिलना चाहिए, और क्या आप ज़रूरत है किन चीज़ों की वो आपको पता होना चाहिए। शायद पता सबको है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये बात मुश्किल वाली है या सोचने वाली है, क्योंकि वो घंटी ना तो कोई उठाना चाहता है और ना कोई बांधना चाहता है। एक चीज और है, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आज एक आरजे को सुन रहा था, एक आरजे ने बहुत अच्छी बात करी। उसने बोला कि एक मदर थी, उसने अपनी 8 साल की बेटी को ये सिखाने की कोशिश करी व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, बट जब उसने उसको बैड टच सिखाया तो लड़की बोल पड़ी, 8 साल की लड़की है, वो बोल पड़ी कि मम्मी ऐसा बैड टच तो मेरे स्कूल में होता है, मेरे तो 3 लोग करते हैं। तो सोचिए 8 साल निकल गए आपको ये बात बताने में, यानी कि वो उसका सही कहना था आरजे का, कि आपको ये बात 1 साल 2 साल के बच्चे को ही बतानी पड़ेगी या जन्म के समय ही बतानी पड़ेगी। रोना बंद करो, पहले तुम रो मत, तुम पहले ये सीखो व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। जब 8 साल की बच्ची के साथ ये हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, जिसे हम मंदिर कहते हैं, शिक्षा का मंदिर कहते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि रोड तो फिर खुला हुआ सांड का एक खुला मैदान है, फिर वहां तो ऐसे हजारों लोग होंगे। हम मंदिर में ही जब सेफ नहीं है अपने घर में, शिक्षा के मंदिर में, तो फिर हम खुली सड़कों पे तो क्या ही सेफ होंगे। एक और उन्होंने इंसिडेंट बताया कि एक उन्होंने अपना पर्सनल रिलेशन बताया कि उनका जो बच्चा था 3 साल का, वो डॉल से खेल रहा था, तो उस डॉल को वो अनड्रेस करने लग गया, तो उसने औरत ने समझाया कभी भी ये नहीं करते, ये गलत है, 3 साल का बच्चा जब एक डॉल को अनड्रेस कर रहा है तो उसकी क्या सोच है, वो चलो बच्चा है बट उसको समझाया गया कि ये कभी नहीं करते। तो हमें बचपन से चीजें सिखानी पड़ेंगी, हमको वो माहौल देना पड़ेगा। हम 20th सेंचुरी, अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे सेफेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स के लिए, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? जब ऑस्ट्रेलिया बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया हॉकी में फर्स्ट है, है ऑस्ट्रेलिया का खुद का सॉकर लीग चलती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल में भी फर्स्ट ही होगा क्योंकि इंडिया नहीं है अभी फुटबॉल में, वहां भी वो फर्स्ट है, तो हम सीखते क्यों नहीं है? हम ये क्यों सीखते हैं कि यार सीरिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब? आप उस चीजों को सीखिए जो आपको सीखनी है, उन चीजों को अडॉप्ट करिए आपको समझनी है। अब अच्छा कोई क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर जो है वो ये सीखेगा कि शॉर्ट ड्राइव कैसे खेलते हैं, लॉन्ग ड्राइव की, वो ये सीखेगा कि बैडमिंटन में क्या होता है। तो अपने काम की चीज सीखिए, अपने माहौल को ऐसा, और एक होता है फ्रेंड सर्किल, मैं बात करूं लोगों में सिखाया जाता है, घरों में सिखाने की बात है, और बाहर फ्रेंड में जाते हो ना, तो वही फ्रेंड सर्किल आपको बहुत कुछ ओपन करता है। तो अगर आपका फ्रेंड सर्किल ओपन भी करता है तो आपको वो रोके भी उस चीज के लिए, यानी आपको धकेल भी उस चीज के लिए। कुछ लोग होते हैं यार, मतलब दोस्ती हो गई, बात हो गई, फ्रैंक हो गए, पता लग गया ऐसा ही होता ही होता है, फिर वो प्रैक्टिकल करने निकल जाते हैं। क्यों प्रैक्टिकल करने निकल जाते हैं? किसको, किसने आपको ये हक दे दिया कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो? भैया आप कौन सी थ्योरी क्लास लेके आए हो कि आप ये कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये जो सेक्स एजुकेशन है ये देनी पड़ेगी स्कूलों में। और मैं एक सबसे गंदी चीज मुझे अब क्या लगी, एक वीडियो है क्विंट ने डाला है, मैं फ्रेंकली बोलूंगा जाकर देखिए, हरियाणा के ऊपर है, और हरियाणा आई थिंक हरियाणा इस देश का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जो मैं देख कर आ रहा हूँ, जो मैं सुन के आ रहा हूँ, जो मैं समझ के आ रहा हूँ। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति, मैं कहता हूँ वो आपको बुजुर्ग कैसे बना दे, मुझे बुजुर्ग कहते हुए आपको शर्म आ रही है, वो क्या कह रहे हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती है,
सर तालियां, तो ताली आपके लिए कि आप बुजुर्ग कैसे बन गए, मुझे तो लगता है अभी भी आप बच्चे हो। वहां के छोटे छोटे, अब ये बुलवाया गया है कि बोले नहीं, वहां का एक छोटा सा लड़का 8-9 साल का होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, वो ये कहता है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़के बाहर जा सकते हैं, लड़कियों लड़कों को घर में रहना चाहिए। एक 8-9 साल का बच्चा स्कूल का कह रहा है कि लड़कियां जींस पहनती है ना, इसलिए लड़के फैसिनेट हो जाते हैं। मैंने कहा यार क्या सोच है, हरियाणा की सोच इतनी गंदी है जितनी गंदी सोच शायद इंडिया के किसी भी स्टेट की नहीं है। इट्स अ वर्स्ट पार्ट, और इसको घोषित कर देना चाहिए कि इंडिया का हिस्सा नहीं। वीडियो आप जरूर जाके देखिए, क्विंट पर ये वीडियो पड़ा हुआ है, और क्विंट आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, क्विंट जो है थोड़ा बायस है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, तो हो सकता है बुलवाया गया हो, बट फिर भी जाके आप इसको देखना तो आपको समझ में आएगा कि हरियाणा कहाँ स्टैंड कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है, जो कि बहुत गलत कहना चाह रहा है। बिल्कुल, हरियाणा क्या कह रहा है, साथ में ये भी पता चलेगा कि अगर हरियाणा की ये सोच है, शायद हरियाणा की सोच, जरूरी नहीं है कि हरियाणा की सोच हो, ये वीडियो तैयार किया गया है, वीडियो बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि पूरा हरियाणा इस तरह से इन्वॉल्वमेंट में हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उनका विरोध भी होना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ बातें भी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा भी लगता है कि जब इस तरह की कोई बात हो या कोई चीज़ आपके सामने आए तो लोगों को अपोज करना चाहिए। साथ में जो अंकित ने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि आपका फ्रेंड सर्कल आपको बहुत चीज़ें सिखाता है, लेकिन मुझे लगता है उसको अगर उस बात को पहली वाली बात से जोड़ दें कि अगर आपका घर का माहौल अच्छा हो जाए, आप घर में अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू कर दें, और किसी एक घर में नहीं सभी घरों में होना शुरू हो जाए, तो वही सभी घरों के लोग जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो अच्छे दोस्त बनेंगे, और उनमें वो बाउंडेशन भी होगी, और मेरे ख्याल से वो बात भी नहीं आएगी किसी के मन में कि हमें ये करना है, क्योंकि सब जब अपने घरों से कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर आएंगे तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप चीज़ों को समझें, छोटी सी और जो बात है छोटे छोटे बच्चों को, या जिस एज में आपको लगता है कि ठीक है समझाना, उस एज से बच्चों को, चाहे वो बेटियां हो या बेटे हो, उनको आप समझाना शुरू करें, सिखाना शुरू करें, बताना शुरू करें चीज़ों को। और क्यूरियोसिटी होती है तो उनको ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए, बच्चों को ये लगना नहीं चाहिए कि कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, या एक वक्त होता है जब आप उनसे ये कह सकते हैं कि अभी नहीं, कुछ वक्त बाद आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा वही है, क्या वीमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है? अगर बड़ा इशू है तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही? जो हम जिस देश की भी बात की अंकित ने, ऑस्ट्रेलिया की, वो देश इतना बड़ा है कि वहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, और आप ये जान के हैरान होंगे अगर आपको नहीं पता कि वहाँ पे इतना स्पेस है। हिंदुस्तान में तो एक गली में ही अगर आप 100 मीटर चलें तो आपको शायद 100, 200, 300 घर मिल जाएं, लेकिन वहाँ पे लगभग आधा आधा एक एक किलोमीटर के बाद लोगों के घर होते हैं। वहाँ पे स्पेस इतना है लोगों के पास, इतनी जगह, इतना खुलापन है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता। जब कहते हैं ना कि जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ होता है, ये एक अजीब सी शायद सिचुएशन हो सकती है मेरे ख्याल से। अंकित, चलते चलते और कुछ कहने का मन है? या मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा ये जो छोटे शहर है ना, जो स्मॉल सिटीज हैं, इसमें मैं देखता हूँ जब कोई सेलिब्रिटी भी आता है तो ऐसे घेर लेते हैं जैसे वो भगवान हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था, स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू हो रहा था, रोड के किनारे हो रहा था और कोई नहीं था। हमको ये माहौल बनाना पड़ेगा कि सेलिब्रिटी है, ठीक है चलो सेलिब्रिटी है, बट वो बराबर है, आपके भी दो हाथ हैं, चार आंख, दो आंखें हैं, हाथ हैं, उनके भी वही सेम है, वो काम आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, तो आप उछल के जाकर के क्या दिखाना चाहते हो? मेरे एक टीचर ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया था, आप खुद ऐसे बनो कि लोग आपके पास आए, और लोगों के पास मत भागो कि जो है आप उनको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म कर दो। तो वही वाली चीज है कि आप खुद ऐसा बने, एक मैं एक एग्जाम्पल खड़ा करें कि लोग आपके पास आए, ना कि आपको लोगों के पास जाना पड़े। सेकंड एक चीज और है कि बीबी की वाइंस ने एक बात और भी शेयर की थी वीडियो में। मैं मानता हूँ बीबी की वाइंस नॉनवेज वीडियो बनाते हैं फ्रैंकली, बट वो कहीं ना कहीं ये तो नहीं समझा रहा ना कि आप रेप करिए,
उसने ये वीडियो बनाया यही समझाने के लिए कि ऐसी चीजें ना हो। तो उसने एक बात बोली कि जो फोटोज होती हैं एक्ट्रेसेस की इंस्टाग्राम वगैरह पे, लोग उसमें भी बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, लोग फोटो देख के फैसिनेट हो जाते हैं, उनके छोटे कपड़े देख करके, उनके क्लेवेज देख करके, और ये सारी चीजें लोगों के जब दिमाग में चढ़ती है ना तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यार वो एक्ट्रेस है, उसका काम है क्लेवेज दिखाना या छोटे कपड़े पहनना या नहीं भी पहनना, अगर वो साड़ी में भी है तो वो सोवर लग सकती है अच्छी, तो आप क्यों गलत कमेंट पास कर रहे हो? जब आप पास करोगे तो दूसरा लगेगा यार इसने कुछ बोला, लव मैं कुछ और बोल देता हूँ, फिर जब वो एक कुछ बोलेगा तो दूसरा कुछ बोल देगा, तो वो बात इतनी बड़ी हो जाती है कि आप पूछिए मत। और एक चीज है बॉलीवुड जो हमारे गाने हैं, मैं एक वीडियो और देख रहा था, हमारे गाने हमको ये सिखा रहे हैं ऐसा करो, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई गाना था एक है, नमक इश्क का आपने सुना होगा, बीड़ी जलेले सुना होगा। जब हमारा जो एंटरटेनमेंट मीडिया है वो ही ऑब्जेक्टिव तरीके से गर्ल को प्रेजेंट कर रहा है, लड़की पागल है, लड़की पागल है ठीक है, बट उसके अंदर की लाइनें सुनिए। बादशाह के ऊपर मैंने देखा था कि स्टेटस आया था, वो उस बंदे ने हर गाने का एक मीनिंग निकाल के बताया था, और उसमें ये भी बहुत एक गाना आपने सुना होगा, डू बी अ मैन बैड बॉय आई एम बी अ बैड गर्ल। तो मतलब क्यों ऑब्जेक्टिव तरीके से बॉलीवुड प्रेजेंट करता है वुमेन को, चाहे वो जो है गानों के तौर पे हो, चाहे वो आइटम नंबर्स के तौर पर हो, चाहे वो सीन्स। अब रागिनी MMS 2 आने वाली है, आपको पता होगा MMS 2 आ चुकी, उसका अगला और पार्ट आने वाला होगा, तो वो चीजें देखकर फैसिनेट होते हैं। तो हमारा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी समझना होगा, या तो वो समझाएं कि दिस इज ऑल यूज्ड बाय ए टेक्निकल इशू, आप इसको घर पे या मोहल्ले में, यार जैसे WWE की वार्निंग होती है वैसे आपको वार्निंग देनी पड़ेगी कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसको यूज मत करें, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप देखें। एक चीज मुझे और बहुत गंदी लगती है कि जैसे मूवीज आज की भी आती है चाहे पुरानी भी आती है, उसमें किस सीन चल रहा होता है, या तो पेरेंट्स चेंज कर लेते हैं, बच्चे मुंह छुपा लेते हैं, क्यों छुपा लेते हैं यार, किस है उसको, किस की तरह रहने दो, जब आप उसको इस तरह से छुपाओगे तो बच्चे में क्यूरियोसिटी आएगी, वो कहेगा आज किस हो गया तो कल कुछ और हो जाएगा। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं, करने वाली हैं। WWE में लड़कियां छोटे कपड़े पहन के वो स्पोर्ट्स ब्रा में करती तो लोग चैलेंज चेंज कर देते हैं, या वो वुमेन्स फाइट है, वो उनका शौक है, वो उनका काम है। ये जब आप इंसान एक समझ जाएगा ना तो वो अपने आप इन सारी चीजों से बिल्कुल बाहर हो जाएगा, वो करेगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, केवल एक यही बात नहीं बोली बीबी के वाइंस ने, मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ बीबी के वाइंस को, इससे बहुत अच्छा, केवल ये कुवारी लड़कियों के साथ ही नहीं हो रहा है, कुछ लोगों की शादियां जबरदस्ती हो जाती हैं, उन शादियों में हनीमून के नाम पर, सेक्स के नाम पर रेप होता है। अब वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि शादी कर दी है पेरेंट्स ने, बट वो जिंदगी भर उसको, उनका मन नहीं है सेक्स करने का बट उनको करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उनका वो पति है, परमेश्वर है। क्यों भाई, पति है परमेश्वर कहां से हो गया? आप अपोज कर सकती हैं, आप आवाज उठा सकती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा। और आपने पिंक का डायलॉग सुना होगा बहुत अच्छे से, नो मीन्स नो, और ये हर लड़के पर और हर लड़की पर अप्लाई होता है कि अगर एक बार लड़की ने आपको नो बोल दिया तो आप जबरदस्ती उसको सेक्स के लिए कभी भी हाँ मत बोलिए, अगर आप एक सच्चे मर्द हैं तो। मेरा ये सवाल है। और उसमें बिल्कुल एक बिल की भी बात थी जिसपे काफी बातचीत हुई थी, और बिल का स्टेटस क्या वो मुझे बिल्कुल याद नहीं सीरियसली, लेकिन उसमें भी था कि मैरिज के बाद भी रेप का केस फाइल हो सकता है, उस पर भी काफ़ी लंबी चर्चा आपने कुछ वक्त पहले ज़रूर सुनी होगी। बहरहाल बहुत सी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और कोशिश यही कि जो मुद्दा इस टाइम चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जिस बात को लेके दर्द में है, या यूँ कह लीजिए पेन में है, आक्रोश में है, उस पर हमने भी एक थोड़ी सी बातचीत आपके साथ की, शायद एक घंटा उतना काफ़ी नहीं होता और हम सारी बातें कह सकें, सब कुछ समझा सकने, लेकिन जितना वक्त हमारे पास है उतनी बातें हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की यहाँ से। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, इसलिए हमने अपने सेगमेंट और फीचर भी आज हटाए, क्योंकि हम इस मुद्दे पे आपके साथ बात करना चाहते थे, और कुछ चीज़ें जो हमारी समझ में आ रही थी वो हमने आपके साथ शेयर की। हो सकता है आपके मन में भी कुछ हो, बिल्कुल हमें फीडबैक दें। फीडबैक देने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो YouTube पर भी आएं और दिल से दिल तक चैनल सर्च करके उसको सब्सक्राइब करें, और वहां पे आप हमारे सारे शोज़ के वीडियोस और देख सकते हैं, शोज़ को जब मर्जी यानी कि जब आपके पास वक्त हो तो उसे सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और वहां पे भी आप अपने
कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक हम अपने दिल से दिल तक सीजन 5 का 5वां बर्थडे यानी कि इस पर्टिकुलर शो का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट थर्सडे को होगी एक बढ़िया सी जबरदस्त पार्टी, उसके लिए तैयार हैं। जुमेरात ठीक 10 बजे हम आपके साथ होंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। कौन किसको यहां भला समझा, हमने क्या समझा, तुमने क्या समझा, बेवफा हमने तुमको समझा सनम, तुमने हमको ही बेवफा समझा। झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो, झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो, दिल है नाजुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो, झूठे कोई ख्वाब इन आँखों को दिखा।
झूठे